मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर एक्सरसाइज 4D। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द एडिटिव इनवर्स। हम लोग को एडिटिव इनवर्स निकालना है। जैसे यहाँ पे एडिटिव इनवर्स हो गया, कोई भी नंबर में हमें ऐसा नंबर ऐड करना है जो हमें रिजल्ट में जीरो दे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट में दिया हुआ है 5, तो 5 में हम ऐसा क्या ऐड करेंगे कि हमें जीरो देगा। तो हम लोग 5 में से सही नंबर ऐड करेंगे, और लेकिन साइन क्या होगा, अपोजिट साइन होगा। तो यानी कि 5 में से -5 ऐड करते हैं तो हमें देगा जीरो। यानी एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 क्या हो जाएगा मेरा, -5। वैसे यहाँ पे दिया हुआ है मेरा, देखिए यहाँ पे 15/-4 है। दोनों जो रैशनल नंबर है दोनों क्या है, अपोजिट साइन का, यानी कि ये नेगेटिव नंबर है। तो इसका इसका क्या हो जाएगा, 15/4 हो जाएगा एडिटिव इनवर्स। ये दोनों सेम साइन है, ये दोनों का सेम साइन है, यानी पॉजिटिव रैशनल नंबर है। तो इसका नेगेटिव में लिखेंगे क्या, -18/13। तो ये मेरा -18/13 क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 2 में सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ फर्स्ट में दिया हुआ 3/4, सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 1/3। यानी 1/3 में से हमें क्या करना है, 3/4 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम लोग लिखेंगे 1/3 -3/4 सब्ट्रैक्ट करना, 1/3 से सब्ट्रैक्ट करना था। तो पहले 1/3 लिखेंगे, 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे तो 12 आ गया। तो 3 4 = 12, यानी 4 1 = 4 -4 3 = 12, यानी 3 3 = 9। सब्ट्रैक्ट करने पर मेरा आता है -5/12। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इवेल्यूएट करना है। तो इसमें भी क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ 3/4 -4/5 है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। उसके बाद हम लोग को सॉल्व करेंगे वैसे। लेकिन यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ पे डिनोमिनेटर मेरा नेगेटिव दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते थे, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करते थे। तो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कैसे करेंगे, जैसे यहाँ -4/11, तो पहले हम लोग इसको लिख लेंगे। उसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव करने के लिए हम लोग क्या करते थे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 4/11। देयरफॉर 7/11 -4, अब ये नंबर के बजाय पे हम लोग किस को लिखेंगे, 4/11 को। तो 4/11 दोनों का एलसीएम मेरा 11, 7 -4, तो सॉल्व करके आया मेरा 13/11। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -36/11 and 49/22 फ्रॉम द सम ऑफ 33/8 and -19/4। यानी ये दोनों का सम में से, ये दोनों का सम को सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले हम दोनों का सम निकालेंगे। तो द सम ऑफ 36 and 49/22 कितना आ जाएगा मेरा, दोनों का एलसीएम लिए सबसे पहले, तो आया 22। तो 11 2 = 22, तो यानी 36 2 मेरा कितना आ जाएगा, 72। माइनस का साइन है तो माइनस पुट कर दिए, प्लस का प्लस, 22 1 = 22, यानी 49 1 = 49। तो दोनों को सॉल्व करने पे मेरा आया 20 -23/22। अब नेक्स्ट में सम करने बोला था 33/8 and -19/4 का सम। तो दोनों का सम किए तो 8 और 4 का एलसीएम मेरा आया 8, 33 का 33, 4 2 = 8, यानी 19 2 = 38। सॉल्व करने पे मेरा आया -5/8। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना था, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ ये नंबर का सम को सब्ट्रैक्ट करना फ्रॉम दिस नंबर से। यानी कि -5/8 में से हमें किसको सब्ट्रैक्ट करना है, -20/23/22। नाउ -5/8 -23/22 इसको टू क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम मेरा आ जाएगा 88। तो 8 11 = 88, तो 11 5 = 55, माइनस का साइन माइनस, यहाँ पे भी माइनस हो तो यहाँ पे भी माइनस पुट कर दिए। अब 22 4 = 88, तो 4 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पाता था 92। इसका साइन मेरा नेगेटिव है तो यहाँ पे भी हम लोग क्या देंगे, नेगेटिव देंगे। अब माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पे हम लोग प्लस कर दिए, बाकी सेम नंबर -55 का 55, माइनस माइनस प्लस, और 92 का 92 by 11, 88। दोनों को सॉल्व करने पर मेरा आता है 37/88। क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ 2 रैशनल नंबर इज 4/21। 2 रैशनल नंबर का सम है मेरा 4/21, इफ़ 1 of them इज 5/7। अगर उसमें से एक मेरा दिया है 5/7, तो अदर क्या हो जाएगा, तो हम लोग जैसे दो नंबर को, जैसे दो नंबर का सम मेरा 5 ही है, तो इसमें से अगर एक मेरा 2 है तो दूसरा मेरा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो मेरा 3 निकल जाएगा। वैसे इसमें से क्या करेंगे, 4/21 में से हम लोग क्या करेंगे, 5/7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, अदर रैशनल नंबर। तो हम लिखें अदर रैशनल नंबर इज इक्वल टू 4/21 - 5/7। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम है वैसे ही, -3/8 में 2 रैशनल नंबर का सम दिया हुआ है, उसमें से एक रैशनल नंबर निकालना है, दूसरा हमें निकालना है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी वही है, द सम ऑफ 2 रैशनल नंबर इज -4/3, इफ़ 1 of them इज -5, फाइंड द अदर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, -4/3 - -5, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, दोनों का एलसीएम लेके हम लोग सॉल्व करेंगे 3। तो -4 का -4, यहाँ माइनस का साइन तो -3 ही बन जाए 3।
यहाँ पे माइनस 50, तो माइनस 4 माइनस माइनस मेरा प्लस, और यहाँ पे 15/3। अब 15 में से 4 गया तो मेरा क्या हो जाएगा 11/3, ये मेरा क्या हो जाएगा अदर रैशनल नंबर।